Hello students, this is Rajiv and you are learning on AIIMS Academy. So now we are going to discuss a very important example of chapter 4 quadratic equations class 10th. और एग्जाम्पल है आपका 12, एक बार रीड कीजिए. अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ. इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर्स मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल विद इट्स बेस एज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क एंड द एल्टीट्यूड 12 meter as shown in the figure. Find its length and breadth. देखिए आपको वो क्या बोल रहे हैं, समझिए क्वेश्चन को. एक पार्क है, वहां पर क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी ब्रेथ उन्होंने क्या बोला है, x मान लीजिए. मैंने क्या लेट कर ली, इसकी ब्रेथ को x. अब उन्होंने क्या बोला, इसकी जो ब्रेथ है उसी के ऊपर डिजाइन किया गया है एक ट्राइंगल. तो इसकी ब्रेथ के साथ में हमने क्या कर लिया, एक ट्राइंगुलर डिजाइन कर लिया. और उसका एल्टीट्यूड आपको दिया हुआ है 12 मीटर, तो मैंने इसका एल्टीट्यूड भी मान लिया है 12 मीटर. अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, इट्स ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ. तो अगर मान लीजिए वो क्या कह रहे हैं, ये अगर 6 है तो ये क्या होगा, इससे 3 का मतलब कि 3. अगर ये 8 है तो इसकी ब्रेथ कितनी होगी, 5. ठीक है, मतलब जो भी इसकी लेंथ है उससे 3 कम होगी इसकी ब्रेथ. हम इसका उल्टा भी तो ले सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो इसकी ब्रेथ से 3 ज्यादा होगी. जो भी इसकी ब्रेथ है उससे 3 ज्यादा होगी इसकी लेंथ. ऑपोजिट, जो भी इसकी ब्रेथ है उससे 3 ज्यादा होगी इसकी लेंथ. देखिए एक्चुअली क्वेश्चन में इस तरीके से कराया हुआ है, इसीलिए मैं भी ऐसे करा रहा हूं. अदरवाइज ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं. आप इसको x और इसको x माइनस 3 लेकर भी लेट कर सकते हैं, बट फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, खैर आपका जो सॉल्यूशन जिस तरीके से दिया हुआ है बिल्कुल वैसे ही करा रहा हूं. आई होप कि ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी. अब हम देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे करोगे तो प्लस 3x. और ये क्या है, एरिया, तो ये होगा मीटर स्क्वायर में. फिर हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट. इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 6x, क्योंकि एरिया है तो मीटर स्क्वायर और आ जाएगा. उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो भी इनका रेक्टेंगल का एरिया है वो किसके इक्वल है, वो ट्राइंगल का जो एरिया है उससे 4 ज्यादा है. जो भी ट्राइंगल का एरिया है उससे 4 ज्यादा है, किसका एरिया, इसके रेक्टेंगल का. तो अगर आप ट्राइंगल के एरिया में 4 ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा. द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 मोर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल नहीं, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल. वॉट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज 4 मोर देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो जो भी ट्राइंगल का एरिया है उसमें अगर आप 4 ऐड करेंगे तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा. ठीक है, ये बात है. अब आप इसको इधर लेकर आ जाइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इधर लेकर आओगे माइनस 6, इधर लेकर आओगे माइनस 4. ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. यहां से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 1, b की वैल्यू मिलेगी आपको माइनस 3, साइन के साथ में पुट करते हैं, और c की वैल्यू माइनस 4. अब आपको क्या करना है, अब आपको लगाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. माइनस b, b की वैल्यू क्या है, 3, क्योंकि माइनस और माइनस है तो आंसर आएगा प्लस का 3. प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है, माइनस 3 का स्क्वायर. माइनस 4a, a की वैल्यू कितनी है, 1, और c की वैल्यू कितनी है, माइनस 4.
डिवाइडेड बाय 2a और a की वैल्यू कितनी है 1, तो x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस, देखिए यहां पे कितना आ जाएगा 9, माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा प्लस, 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय 2, 3 प्लस माइनस देखो यहां पे कितना आ रहा है 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए टू वैल्यूज आ गई यहां पर, देख लो x इज इक्वल टू, एक बार प्लस में लोगे तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, मतलब 8 बाय 2 आंसर कितना आ गया 4, और जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे नेगेटिव वैल्यू लोगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 मतलब माइनस 2 ओवर 2 आंसर माइनस 1। अब बेटा x क्या थी, इसकी ब्रेथ, तो लेंथ ब्रेथ या साइड की लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, हमसे उन्होंने क्या पूछी है डायमेंशंस ऑफ दिस रेक्टेंगल, हमसे क्या पूछा है उन्होंने, हमसे पूछा है लेंथ एंड ब्रेथ, तो बेटा लेंथ तो हमारी आ गई है, सॉरी ब्रेथ तो हमारी आ गई है 4 मीटर, लेंथ हमसे लेंथ कितनी है x प्लस 3, मतलब 4 में आप 3 ऐड करोगे आंसर आएगा 7 मीटर, तो इस रेक्टेंगल की ब्रेथ है 4 और लेंथ है 7 मीटर। आई होप के समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखिए क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें एक नया क्वेश्चन करेंगे, प्लीज नोट इट डाउन।